सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन का जम्मू एंड कश्मीर का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज तक कर जो हमारे बीआईपी ने जितने भी हमारे जो पार्लियामेंट्स मेंबर हैं, जम्मू कश्मीर के डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी एमएसओ मिनिस्टर और जुगल किशोर जी हमारे एमपी, इन्होंने हमारे साथ जो वादे किए हुए हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ, हम पार्लियामेंट के अंदर आपकी जीरो लेवल पर आपकी बात उठाएंगे। आज तक इन्होंने कोई बात नहीं उठाई। गवर्नमेंट ने हमारे साथ जो वादे किए हैं आज तक वो कोई पूरा नहीं हुआ। 2004 के बाद जितनी जो हमारे अफसर्स हैं, जवान्स हैं, ओआरस हैं, सबकी पेंशन बंद है। एक तो पुरानी पेंशन लागू की जाए, दूसरा जो सीएसडी कंटीन है वो बिल्कुल इन्होंने बंद किया है, जिसपे हमारे सिविल की दे रखी है कि सीपीसी कंटीन, उसमें सबसे ज़्यादा जीएसटी ठोक रखा है हमारे को 28%। और मैं कहता हूँ इतना आर्मी के अंदर नहीं है जितना हमारे को जीएसटी ठोक रखा है। और हमारे अफसर नहीं बोलते, हमारे जो टैरिस जितने आ रखे हैं उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, वो बाज उठाती है मुद्दा, जितने भी मुद्दे हैं वो उठाती है। पैरामिलिट्री फोर्स के साथ बहुत बेइंसाफी हो रही है। मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ हमारी बात को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करें, खासकर जो जम्मू कश्मीर के हमारे एमपी हैं और जो महामंत्री अभी डॉक्टर निंदर सिंह जी बने हैं, उनके कानून में ये बात पहुँचे। नहीं तो आने वाले इलेक्शन जो 2024 के हैं, हमारा जहाँ 25,000 जम्मू कश्मीर के अंदर पैरामिलिट्री फोर्सेज के रिटायरी हैं, और 25,000 के आप 5 का आंकड़ा लगा लो कितना कितना फ़र्क पड़ता है। और हम इस गवर्नमेंट के साथ बाईगार्ड करेंगे, हम इनके साथ बिल्कुल बोर्ड नहीं करेंगे। जो स्मॉल मीटर का पंगा है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, दुनिया तरह तरह कर रही है। अब एक बर्तन साफ़ करने वाली औरत किसी के घर जाती है, वो वहाँ से 2,000 रुपये लेती है, आपको 5,000 वहाँ कहाँ से किराया देंगे वो। आप एक ध्यान रखें मिडिल क्लास पर, लो क्लास के जो लोग हैं उन पर ध्यान रखें। लाले लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लाले लोग 10,000 एक लाख भी बिल दे सकते हैं, जो गरीब जनता नहीं दे सकती है, जम्मू कश्मीर की नहीं दे सकती जनता। एलजी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है स्मॉल मीटर को आप वापस लें। सब ने नहीं दे रखे हुए मोबाइल वगैरह, जी नहीं, जो बीजेपी के हमारे 25 MLA हैं वो सो के बैठे हुए हैं, अभी उनको ये बात उठानी चाहिए एलजी के आगे। जे इन्हीं का कामकाल को आप जनता के बीच जाएगा, आपको कौन वोट देगा? कोई नहीं घर बढ़ने देगा, बिल्कुल नहीं बढ़ने देंगे। और जे मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ हमारी डिमांड को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करें, खासकर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर जो एमपी है हमारे, आज तक उन्होंने 9 साल में पैरामिलिट्री फोर्सेस की पार्लियामेंट के बीच एक बाज नहीं उठाई, एक स्किंड नहीं बोले, जैसे गुगू बन के बैठे होते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है इनसे, अगर जनता के बीच आना है, कुछ लेना है आपने, तो पैरामिलिट्री फोर्स की बाज उठाएँ और मोदी जी को बताएं भाई पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो बातें हैं इनके पर गौर किया जाए। और एक्चुअली हम जो डिमांड्स है बोल बिल्कुल सही है, मीडिया से रिक्वेस्ट हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करें। जय हिंद, जय भारत।